नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए जयपुर में स्थित गलता जी मंदिर की कथा को लेकर आई हूं और आज मैं आप सभी को उस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य भी बताने जा रही हूं। आखिर क्यों रहते हैं इस मंदिर में हजारों बंदर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस रोचक कथा व जानकारी को। भारत में आपको कई अनेकों मंदिर मिल जाएंगे जहां हिंदू धर्म के लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। भारत का राजस्थान राज्य भी अपने कई धार्मिक जगहों के लिए प्रसिद्ध है। यहां आपको कई अनेकों मंदिर दिखेंगे जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को आज भी जोड़े हुए हैं। यहाँ का एक ऐसा ही मंदिर है गलता जी मंदिर, जो अपनी कई मान्यताओं के लिए जाना जाता है। चलिए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। दीवान राव कृपा राम ने 18वीं शताब्दी में मंदिर की आधारशिला रखी थी। कृपा राम राजा सवाई जय सिंह के दरबार में दीवान थे। जयपुर के रीगल शहर के बाहरी इलाकों में बने ये मंदिर जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है। यह बहुत ही प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक मंदिर को अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर बनाया गया है। गलता जी मंदिर अरावली पहाड़ियों में स्थित है और घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा है। यह प्रभावशाली इमारत गोल छतों और खंभों से सजी चित्रित दीवारों से सुशोभित है। कुंडों के अलावा मंदिर परिसर में मौजूद भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान हनुमान के मंदिर हैं। आप इस मंदिर में न केवल देशी बल्कि विदेशी भक्तों के भी दर्शन करते हुए पाए जाएंगे। यहाँ भक्त मंदिर समिति द्वारा आयोजित भक्ति कार्यक्रम, भक्ति संगीत, लाइव प्रदर्शन और कई अन्य पवित्र कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आते रहते हैं। गलता जी मंदिर दुनिया भर के पर्यटकों का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर परिसर के शहर के शोर से शराबे से दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। खूबसूरती से बनाए गए मंदिरों को हिंदू देवताओं, विवाह और पौराणिक कथाओं के भित्ति चित्रों से सजाया गया है। इस पवित्र स्थल पर आपको हजारों में बंदरों की संख्या देखने को मिल जाएगी। दिलचस्प बात तो यह है कि ये बंदर यहाँ आने वाले भक्तों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाते। यह चंचल जंगली बंदर सुबह और शाम के समय मंदिर परिसर में उसके आसपास पाए जाते हैं। हर साल जनवरी के बीच में यानी मकर संक्रांति के आसपास यहाँ के लोग पवित्र कुंड में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इस भव्य मंदिर में जाने के लिए सूर्यास्त का समय सबसे अच्छा है क्योंकि इस दौरान बंदर भी कम होते हैं। इस मंदिर के दर्शन करने का सबसे अच्छा महीना जनवरी, फरवरी, अक्टूबर और दिसंबर माना गया है। आप गलताजी मंदिर के पास में मौजूद कृष्ण मंदिर, सूर्य मंदिर, बालाजी मंदिर और सीताराम मंदिर भी जा सकते हैं। इस मंदिर के पास एक और पर्यटक आकर्षक सिसोदिया रानी का बाग भी स्थित है, जो एक शानदार महल और गार्डन के रूप में बनाया गया है। तो इस तरीके से यह भारत का बहुत ही प्रसिद्ध और अनोखा मंदिर है। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कथा व रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।